हूं आपका दोस्त रमेश और मैं आपको स्वागत करता हूं स्कॉलर्स स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, साथ ही साथ उसका अभ्यास भी करेंगे। वो महत्वपूर्ण टॉपिक है आंख से संबंधित। हम अपनी आंखों की योग के द्वारा कैसे देखभाल कर सकते हैं उसके संबंध में यह वीडियो आपको यह जानकारी देगी कि कैसे हम अपनी आंखों का देखभाल करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी कोई कि आज जो मॉडर्न एज है, हरेक आदमी का किसी न किसी रूप में स्क्रीन से नाता जुड़ गया है, या मोबाइल हो, या लैपटॉप हो, या कंप्यूटर हो, या टीवी हो, या कहीं पर भी आप किसी भी तरीके से देखें तो कुछ न कुछ समय तक आदमी अपने आप को स्क्रीन पे व्यतीत करता है। और इसका यह दुष्प्रभाव है, अगर हम लंबे समय तक स्क्रीन पे रहें, लगातार 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा ऐसा स्क्रीन अगर हम शेयर करते हैं तो हमारी आंखों पे उसका दुष्प्रभाव होता है। तो उस दुष्प्रभाव को कम करने के लिए या उससे बचने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं उसकी इसमें चर्चा की गई है, की जाएगी। साथ ही साथ आप लोग इस अभ्यास को कर भी सकते हैं और यह अभ्यास बहुत ही आसान है, सरल है और इसके लिए कोई आवश्यक इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं, बैठे हैं, खड़े हैं या लेटे हैं, और कोई भी इसे कर सकता है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाने के बाद करना है या शाम को करना है कि सुबह करना है। जब आपको समय मिले, ऑफिस में, घर पे, स्कूल में, कहीं भी मिले समय, आप इसको 3-4 अभ्यास कर लीजिए और अपने आंखों की जो सेहत है उसको दुरुस्त कीजिए। तो आइए, सबसे पहला जो अभ्यास हम लोग करेंगे वो है पलक झपकाने का अभ्यास। आप लंबे समय तक कहीं पे बैठे हैं कंप्यूटर में या टीवी पे, तो थोड़ा देर ब्रेक लेकर के 2 से 3 बार इसकी आंखों को करिए साथ में, और याद से कीजिए। जब आपको याद आ जाए तो उसमें क्या करना है, आप लेटे हैं, बैठे हैं, किसी भी स्थिति में हैं, तो बस केवल अपनी आंखों की जो पलक है उसको 10 से 15 बार झपकाना है जल्दी जल्दी। इसके बाद रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर, फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। अपनी पलकों को ताकत से खोलना है, पूरी तरह से फैलाना है, फिर बंद करना है अपनी ताकत से। फिर से एक बार होने के बाद आप अपने दोनों हाथों को जोर से रगड़ें जब तक कि गर्म ना हो जाए, और दोनों हाथों जब आपको महसूस हो जाए कि गर्म हो गया तो उसके बाद अपने हथेलियों को आंखों से लगाना है आंख बंद करके, और तब जब आंखों को तब तक रखे रहें जब तक कि उसकी गर्मी आंखों में चला ना जाए। ये अभ्यास फिर से एक बार आप कर सकते हैं 2 बार।
इससे हाथ को तो गर्म करेंगे रगड़ के। और रगड़ के गर्म करने के बाद हाथों की गर्मी को आपको तेल एब्जॉर्ब करना है। ये तो बहुत ही सरल अभ्यास है, इसको कहीं भी आप कर सकते हैं। और कुछ अभ्यास हैं, जैसे कि आप अपनी आंखों को ऊपर नीचे साइड दोनों साइड में अपनी पुतली को घुमा करके देखना है, कुछ सेकंड रोक करके। इसके ऊपर की ऊपर देख रहे हैं तो कुछ सेकंड रोकेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नीचे की ओर देखेंगे, जस्ट नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब साइड में देखेंगे, बाएं तरफ दोनों पुतली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब राइट साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया ऊपर नीचे और दोनों साइड में। अब क्या करना, रोटेट करना है अपनी पुतली को। रोटेट करने के लिए आप सिंपली अगर बिना किसी सपोर्ट के कर सकते हैं तो अपनी पुतली को चारों तरफ देखते हुए घुमाते रहना। स्टार्ट करेंगे, अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो प्रारंभिक में आप अपने हाथों को अपने एक अंगूठे को सामने रखेंगे और उसको घुमाएंगे और जहां जहां घूमता जाएगा वहां वहां पे आपको देखना है। इस तरह से आपकी पुतली घूमती रहेगी। ये 5 राउंड आप ऐसा कर सकते हैं अपने अंगूठे को देखते हुए। ये 5 राउंड हो गया क्लॉकवाइज। अब इसी का एंटी क्लॉक करेंगे दूसरी तरफ से। One, two, आप अपने हाथ को जितना धीरे घुमा सकते हैं उतना धीरे घुमाना है और धीरे धीरे पुतली भी आपकी घूमती रहेगी। 3, 4, 5, ये हो गया अभ्यास पुतली रोटेशन। पुतली रोटेशन का नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं कि एक टक देखने का अभ्यास। आप इतने आंखों को थका दें एक टक देखते हुए कि आपके आंखों से पानी निकलने लगे, आंसू आ जाए, ऐसा देखना है पूरी एक ही बिंदु को। ऐसा आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप कहीं भी अपने सामने दीवार पे एक ब्लैक स्पॉट लगा दे, काला धब्बा, एक पूरा छोटा सा पॉइंट, वहां पे आपको एक टक देख सकते हैं। या तो आप अंधेरे में, अंधेरे कमरे में एक कैंडल जला लें अपने 1 से 1.5 फीट आगे आंखों के सामने स्टैंड पे एक कैंडल जला लें और उसको एक टक देखते रहना है। तो ये दो तरीके से आप
इसको इसको ये भी कहते हैं त्राटक का अभ्यास। तो आप त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी हम केवल एक पॉइंट पे देखेंगे और उसको एक तक ही देखना है। तो दो तरीके हैं आपके लिए, आप जो सुविधा हो वो कर सकते हैं। अलग झपकना नहीं चाहिए, बिल्कुल एक तक देखते रहना है। जब आंखों में स्ट्रेस आने लगे, टेंशन आने लगे, थोड़ा पेन होने लगे, तो आप उसमें अभ्यास को रोक सकते हैं और फिर से अभ्यास शुरू करना है। प्रारंभ में ज्यादा देर नहीं करना है, होल्ड कम से कम आधा मिनट तक ऐसा रोक सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। यही अभ्यास आप जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य पूरा निकला भी नहीं है, लाल लाल सूर्य है, उस समय आप ये त्राटक कर सकते हैं अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, आंखों की और अच्छे से स्वास्थ्य को और अच्छा करने के लिए ये आप कर सकते हैं। सूर्य का दर्शन करना है आपको, सुबह सुबह उठ करके छत पे जा करके या लॉन में जा कर लेना है या नदी का किनारा हो वहाँ पे आप सुबह सुबह जा करके सूर्य का दर्शन कीजिए और एक तक देखिए वहाँ पे सूर्य को। चमकता हुआ सूर्य नहीं देखना है, बिल्कुल सुबह सुबह का लाल सूर्य उसको देख सकते हैं। उस पर उससे आपको आंखों की जो रोशनी है वो बढ़ती है, आंखों में प्रॉब्लम नहीं आती, आपका स्वस्थ रहता है। ये दो तीन तरीके हैं त्राटक करने के और अभ्यास है। इसमें एक बहुत ही कॉमन सी प्रचलन है हमारे भारतीय परंपरा में कि आप जब उठें या सो के उठें तो आप अपने सुबह सुबह ठंडे पानी का झोंका लगाइए, मतलब छींटा लगाइए आंखों पर, तो इससे भी आपको सहायता मिलती है आंखों की क्लियर करने में, देखभाल करने में। एक और चीज अच्छी चीज होती है कि जब आप घूमने निकले, टहलने निकले, तो खाली पैर होकर के बिना चप्पल के, बिना जूते के, उसके बाद जो घास रहती है फील्ड में तो उस पे चलना है। इससे भी आपको आंखों का अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, जो इसको नेचुरोपैथी के अंतर्गत हम देख सकते हैं इस ट्रीटमेंट। उससे क्या होता है कि हमारे सीधा संपर्क पृथ्वी तत्व से होता है और उसकी जो एनर्जी है हम पैरों के माध्यम से अपने शरीर में धारण करते हैं, ये है। और अपने खान पान में ध्यान रखिए आंखों के लिए, कम से ज्यादा आप विटामिन ए रिच डाइट लीजिए, पालक है, पपीता है, विटामिन सी भी है, आंवला भी आपको सहायता करेगा आंखों की रोशनी के लिए। तो विटामिन ए रिच डाइट लेना है आपको आंखों के लिए, और साथ ही साथ कुछ जो अभी अभ्यास आपको बताए गए वो अपनाने हैं। तो इस तरीके से आप अपनी आंखों का देखभाल कर सकते हैं। और स्क्रीन शेयर कीजिए, मतलब केयरफुल कीजिए, आपको ब्रेक लेना है अपने जो वर्क है उसके दौरान, एक मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें दो से तीन बार आपको अलग करना होगा, उत्तर दीजिए आपको रगड़ के गर्म कर लीजिए आपको, उससे एनर्जी मिलेगी। इस तरह से आप आंखों का देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।